गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफ स्टाइल। सो फ्रेंड आज है वेनेसडे और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। आज मैं इवनिंग से ही मेरा ब्लॉग जो है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। सो मून का तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब थी, इसके लिए सुबह से कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ था। मून अभी सो रही है तो किचन भी मेरा पूरा गंदी पड़ी हुई थी, तो उसको अभी मैंने क्लीन करके आई थी। और दोपहर का जो लंच का बर्तन था ना वो भी ऐसे ही था, तो मैंने सारे किचन का बर्तन और किचन क्लीनिंग करने के बाद मून को सुलाने के बाद अभी आई हूँ। ये जो बेडशीट है ना सोफे के ऊपर उसको ठीक ठाक से मैंने लगा दिया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही गंदी होकर रखी थी इसके। तो चलो घर को झाड़ू भी लगा देती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होकर आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। हाँ साइड में मून भी सो रही थी, तो मैंने कॉम्बिंग करने के लिए आ चुकी हूँ। नहीं तो मून जब सोते हैं ना मैं बेडरूम पे आती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा भी आवाज़ होती है ना और मैं आ गया थोड़ा सा भी लाइट, मतलब 2 मिनट के या 2 सेकंड के लिए भी चालू करती हूँ ना तो भी उठ जाती है। पर आज उसको मैंने कोल्ड का जो दवाई है ना वो पिलाई थी ना, इसके लिए उसको अच्छे से नींद आई है तो सो रही है अभी वो। और ये जो है ना स्टिक वाला लिप बम है, फिर भी मुझे हाथ से लगाना पड़ रही है क्योंकि मून आज इसको पूरा एकदम तोड़ दिया है तो पूरा अंदर चले गए हैं, इसके लिए हाथ से निकाल के लगाना पड़ रही है मुझे। और मैं आने के टाइम ना एक कॉइन बैग रहते हैं ना छोटा वाला, तो वो लेके आई थी। तो क्या होते कि मेरे पास बहुत सारा कॉइन बच जाती है, तो उसको मैं इधर रखती हूँ, कभी उधर रखती हूँ, और कभी तो डर के मारे किधर रखती हूँ मैं खुद ही भूल जाती हूँ। क्योंकि मून को अगर थोड़ा सा भी एक छोटा वाला भी कॉइन मिल जाएगा ना तो वो मुँह में डाल देती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना मैं ये छोटा बैग आने के टाइम देखा था तो मैं उधर से ही लेकर आई थी। तो सारे कॉइन मैं किधर किधर रखी हूँ मैं मतलब सोच के ढूंढ ढूंढ के उसके अंदर रख रही थी। तो उसके बाद ही ना ये सारे काम करते करते थोड़ा सा आवाज़ भी हो गई थी तो मून उठ गई थी। अगर उठ जाती है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत टाइम तक सोई थी, ऐसे भी 1.5 घंटा तक तो हो ही गई थी, 1.5-2 घंटा तो हो ही गई थी सोने का। तो मून का ये छोटा वाला बैग है ना इस पर भी मैंने कुछ पैसा और कुछ कॉइन रखी थी, तो मैं वही ढूंढ रही थी कि सब जगह से कॉइन को निकाल के मुझे इकट्ठा करना है। इसके लिए मैं सोच रही थी चलो कर ही तो ये काम अभी जो मून सो रही है। तो मून को मैंने शाम के नाश्ता करवा दिया था, उसके बाद अभी हम दोनों मिलके चाय पी रहे थे। और फ्रेंड आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप में से बहुत लोग बोले हो कि आप दोनों क्या लेफ्ट हैंड से खाते हो। नहीं फ्रेंड हम दोनों लेफ्ट हैंड से नहीं खाते हैं, हम राइट हैंड से ही खाते हैं, हम तीनों ही खाते हैं राइट हैंड से। पर कैमरे में ऐसे लगते हैं, ये हमारी गलती नहीं है, ये कैमरा की गलती है, क्योंकि ना कैमरे में ना उल्टे दिखते हैं सब। तो इसको मैं ठीक भी कर सकती हूँ पर मुझे नहीं पता, मैं ज़रूर ठीक करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग बता रहे थे, तो मैं ज़रूर इसको ठीक करूँगी। हाँ फ्रेंड तो ये देखो मून को ना थोड़ा सा खांसी भी हुआ था, तो मैंने आज नींबू दे के चाय बनाई थी ना, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ना 2 स्पून टाइप उसको गर्म गर्म जो चाय रहते हैं उसको मैंने डाल दिया था उसके मुँह में, और उसको बहुत ही टेस्ट आई थी फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लग रही थी। और इसके साथ मैंने ओरियो बिस्किट लिया था ना वो एकदम ख़राब हो चुकी थी, एकदम नरम है वो, पूरा पैकिंग था फिर भी क्यों इतना ख़राब हो चुके पता नहीं। तो अभी जो है रात के 11 बज रहे हैं और मून अभी सोए हैं, क्योंकि मून को लेके मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो मैंने कल आप लोगों को बोला था ना कि मून को थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, तो मैंने घर पे जो दवाई रहती है वो तो मैंने उसको पिला दिया था, फिर भी मुझे ऐसा लग रही थी कि उससे ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि उसके चेस्ट में ना मुझे ऐसा लग रही थी कफ है, और वो है थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा है, जो कि
रहते हैं बच्चों लोगों को, अगर थोड़ा बहुत भी कोल्ड होते हैं ना तो कफ थोड़ा बहुत रह जाती है, पर डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि उसको आप लोग इग्नोर कीजिए, ऐसे दवाई से या खांसी से वो निकाल जाते हैं या फिर उल्टी से भी निकाल जाते हैं। बच्चे लोगों को अगर कोल्ड होते हैं ना तो उल्टी करते तो बहुत अच्छे होते हैं, और मुँह तो ऐसे बहुत ज़्यादा उल्टी करते हैं। तो इसमें हम लोग आज गए थे डॉक्टर को ऐसे ही दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीजन चेंज हो रही है, कभी कभी बारिश हो रही है मुंबई में, कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसके लिए इस वजह से हुआ है। और आज मैंने डिनर नहीं किया क्योंकि मैं डिनर ना बीच बीच में एक दो दिन करके अगर स्किप करूँगी ना तो थोड़ा बहुत भी मैं पतली हो जाऊँगी शायद, नहीं पता फ्रेंड। अभी मैं दूध पीऊँगी क्योंकि अगर मैं दूध नहीं पीऊँगी ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो चलो मैं जाती हूँ किचन में, फिर जाके ना ये करना है, दूध को करना है गर्म। और मुन के पप्पा के पास है, मुन सो गए हैं, मुन के पप्पा भी उसके साइड में ही है, दूध को गर्म कर लेती हूँ उसके बाद। और ये देखो, ये सब देखो, क्योंकि शाम के टाइम पे ना हम लोग थोड़ा सा मुरमुरा जो बोलते हैं भेलपुरी बोलते हो ना बंगाली स्टाइल में, उसको हम लोग मुड़ी माखा बोलते हैं, तो वही बनाए थे। अचार भी इधर ही रख दिया मैंने, और ये भी इधर देखो दूध जो है बन रही है, और इधर थोड़ा बहुत बर्तन जो है थोड़ा सा पानी आई थी तो उससे मैं धुल लिया, ये मूंग के वो मैंने डिनर करवाई थी ना वो सारे बर्तन है। तो चलो दूध हल्का सा गर्म हो जाए, और मैंने ना ईयर पे ऑयल लगाई हुई इसके लिए इतना चिपकू सा लग रही है। और आप में से बहुत लोग बोले हो कि आप एक बार रेडी होके ब्लॉग बनाया कीजिए, तो ज़रूर करूँगी, आप लोग बोले हो क्यों नहीं करेंगे, पर देखती हूँ कब करती हूँ। मुन ठीक हो जाए, उनका तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद एक दिन में एकदम अच्छे से रेडी होके फिर ब्लॉग बनाऊँगी, पर ये तो मैं डेली नहीं बना पाऊँगी। और बाहर का कपड़ा जो है ना वो सुखाने के लिए दे दिया मैंने, ऐसे स्टैंड के ऊपर लगा देती हूँ ना तो हो जाते हैं। और मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर देखो कितना हालात ख़राब होके रखा है सारे सब कुछ। क्लीन अभी करूँगी या सुबह करूँगी पता नहीं, अभी करके रख दूँगी तो हो जाएगी। और फ्रेंड चलो फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ मैं मॉर्निंग पे, हाँ, क्योंकि देखो इतना ड्राई हो चुकी है, मुझे अभी जाके दूध पीने के बाद जाके लिप बाम लगानी है। सो फ्रेंड मून भी सो गए हैं, तो हम दोनों मिलके कुछ बातें कर रहे थे, क्योंकि ये जो टाइम मिलते हैं ना एकदम फ्री टाइम रहते हैं, मतलब गर्मा गर्म दूध जो रहते हैं उसको पीते पीते थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं, उसके बाद जाके सो जाते हैं बस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज है नेक्स्ट डे, आज है फ्राइडे, और अभी मॉर्निंग के कुछ 10 बज रहे हैं, 9:30 का। सॉरी फ्रेंड, आज मैंने लेट करके उठी थी इसके लिए, अभी जो है मून के लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी, इसके लिए सारे कटिंग चॉपिंग कर रही थी और पानी भी भर रही थी मैं, ये जो हंडी है इसमें पानी भर के रखी थी। और आज मेरे हस्बैंड का ऑफिस में छुट्टी है, इसके लिए वो घर पर ही रहने वाले है, तो लेट करके उठी हूँ, और सुबह ब्रेकफास्ट भी अभी तक नहीं हुआ है हमारा, तो मेरे हस्बैंड अभी बाहर जाने वाले हैं, और मून ने सोचा कि मून को लेके जाने वाले हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है सब्जी लाने के लिए। और मैं बोली हूँ ना कि मून को थोड़ा सा कोल्ड हो गई थी, तो इसके लिए मैंने उसको ड्रॉप दिया, क्योंकि ये जो ड्रॉप है ना बहुत ही मुझे पसंद है, ये ड्रॉप से ही ज़्यादातर मून का जो सर्दी है ना वो कम हो जाते है। तो मून तो यही सोच रहे थे कि मुझे लेके जाने वाले है, वो इसीलिए सोचे कि चलो मैं भी कुछ रेडी हो जाती हूँ कॉमिंग वगैरह करके, पर उसको तो अभी नहीं लेके जाएगा वो। अभी मैं आ गई हूँ, मून का जो पानी है उसको गर्म करने के लिए रख के गई थी, तो गर्म हो चुकी है, तो मैं इसको फ्लैक्स में भर लूँगी। और मून भी बाहर खेल रहे हैं उसके पापा के साथ, और ब्रेकफास्ट में आज बस चाय बना लेंगे तो हो जाएगा। और कुछ मेरा ना वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुकी थी, तो इसके लिए वेजिटेबल्स वगैरह सारे सब कुछ एक साथ लेके आ जाएगा वो, उसके बाद में लंच का जो प्रिपरेशन हो वो तैयार करूँगी। और देखो मून कैसे, मून को जाना था तो मैंने बोला कि नहीं मून अभी नहीं जाना है, पापा सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, और कैसे पैर को पकड़ लिया था देखा ना, तो थोड़ा बहुत तो उसको नीचे लेके जाना पड़ेगा उसके पापा को, फिर वो थोड़ा सा इधर से घुमा के लेके आएगा, तो मैं लेके उसको चले आऊँगी। सोने का मन क्या है। हे फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आज है फ्राइडे है, और अभी सुबह के देखो 10:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑफिस में छुट्टी है। कुछ दिनों से ऐसे चल रहा है, मतलब कि लॉकडाउन की वजह से ना थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसके लिए आज उसने बंद रखा है,
तो घर पे ही है आज पूरा। तो आज मैंने लेट करके उठी हूँ, मैंने सोचा था और भी लेट करके उठूंगी, पर क्या होते हैं कि पानी भरने का रहते हैं ना, और एक बार अगर आप उठ जाते हो ना तो फिर लगता है कि चलो सारे काम कर ही लेती हूँ और सोने का मन नहीं करते। वैसे ही हुआ है मेरे साथ, मैं सोचा था कि आज मैं 9 बजे तक उठूंगी, मून को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद फिर से सो जाऊंगी, पर वही नहीं, जब पानी भरा उसके बाद सोने का मन ही नहीं किया। तो सारे काम कंप्लीट कर लिया था, फिर भी लेट हो गया है। थोड़ा बहुत बैठ के उठ के ऐसे करके काम कर रहे थे, और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर सब्जी लाने के लिए। और मैं ना आप लोगों को कुछ बातें बोलना चाहती हूँ, पहले मैं फ़ैन को ऑफ कर देती हूँ, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सुन पाओगे। और मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, आप लोग बोलते हो कि हम पूरा फैमिली क्या लेफ्टी है, हम लेफ्ट हैंड से खाते हैं क्या? सो फ्रेंड नहीं, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है फ्रेंड, इसमें जो गलती है सब ये कैमरा का है। ये कैमरा ठीक से मतलब फोकस नहीं करते, ठीक से ये नहीं करते हैं। ये कैमरा हम लोग जब भी राइट हैंड से खाते हैं तो दिखाते हैं कि हम लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। बस आप लोगों का जो ये जो आप लोगों का कन्फ्यूजन था तो इसको मैंने हटा तो दिया है ना, हम लोग लेफ्टी नहीं है फ्रेंड, हम लोग राइट हैंड से खाते हैं, हम तीनों ही खाते हैं, मून भी राइट हैंड से ही खाते हैं। आप लोग बोलते हो कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही लेफ्टी हो क्या? नहीं फ्रेंड, हम दोनों ही राइट हैंड से खाते हैं। हम तो लेफ्ट हैंड से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, खाना तो दूर की बात। तो इसके लिए मैं बोल दिया क्योंकि कैमरे में हो जाती है फ्रेंड ऐसे ऐसे, इसको ठीक साथ कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इसको कैसे ठीक करते हैं, पर मैं कोशिश करूंगी इसको ठीक करने का, नहीं तो आप लोगों को भी ना दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगते हैं, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगते हैं ना कि ऐसे लगते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड से खाती हूँ, लेफ्ट हैंड से भगवान को दिया अगरबत्ती करती हूँ, पूजा देती हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है फ्रेंड, मैं राइट हैंड से ही सब कुछ करती हूँ। और आज जो प्रॉन्स है ना उसको ही मैं बना लूंगी लंच के लिए, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, भूख नहीं लगी है, पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही है। और बस आज छुट्टी है ना इसके लिए थोड़ा बहुत मैं खुश भी हूँ, और मून भी बहुत खुश है। आप लोग देख रहे थे कि मून का पापा जब जा रहे थे, मून कैसे कर रहे थे, उसका पैर को एकदम पकड़ लिया, उसको मेन जो रहते हैं ना उसके पापा का जो हैंकी है ना उसको निकालना, क्योंकि उसके पापा दो हैंकी लेते हैं, एक तो वो फेस पे ऐसे बांध लेते हैं, और दो वो हमेशा उसको हैंकी चाहिए ही होती है मेरे हस्बैंड को, तो इसके लिए वो जो सेकेंड वाला है ना वो उसके पॉकेट में रखते हैं और पीछे वाले पॉकेट में रखते हैं ना, और मून उसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके घूम लेते हैं कि कभी वो मतलब मम्मी के साथ थोड़ा सा बातें करेगा और मैं मतलब फटक से उसको निकाल के भाग जाऊंगी, क्योंकि उसको वो क्यों चाहिए पता है, उसको वो सर पे बांधना होते हैं, उसका हैंकी ना सर पे बांधना पड़ते हैं और वो कमर पे बांधते इधर बांध लेते हैं यार। और देखो अभी वो टीवी देख रहे हैं, ये देखो चाहे कितने भी जगह दे दो आप उसे, वो पूरा उधर ही बैठ के टीवी देखेगी, उधर ही खड़ा रह के बैठेगा नहीं। और आप लोगों को ना मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखो ये मून का जो मैंने उस दिन डियर लेके आई थी ना, अभी इसको लेके मैंने क्या गलती कर दी है फ्रेंड, ये जो डियर है ना इसको इतना पसंद आई है ना, अगर मैं उसको कुछ भी खाने को देती हूँ ना सब कुछ इसे खिला देते हैं, एक प्लेट में लाते हैं और मतलब इसको ऐसे करते हैं, बोलते खा खा खा, अगर नहीं खाते ना तो फिर इसके कान को ऐसे करके फिर बोलते खा खा। मैं इसको कितना समझाती हूँ कि ये खाते नहीं है पापा, वो फिर भी हेलो। और उसका कितना अच्छा वो जो बर्थडे वाला एक गिफ्ट था ना, जो म्यूजिक होता था और ये होता था, देखा उसका हालत, ये एक्चुअली ये उसने नहीं किया है, ये मेरे हाथ से ही हुआ है, इसके अंदर से उसको निकाल तो वो दिया था पर वो जो टूटे है ना मेरे हाथ से ही टूटे, मेरे हाथ से गिर गया था, तो उसका कोई कसूर नहीं है इसमें, मेरा ही गलती है, क्यों मैं झूठा इंजाम लगाऊं उसके ऊपर, खिलौना तोड़ने का बोलो, ये तो मेरे हाथ से ही हो गया है ना। क्या हुआ मेरे पास आ गया है। मेरे पास आना था इसीलिए। ची चुआ, ये क्या क्या है, ये कौन सा लैंग्वेज है आप लोग बताना मुझे। हाँ ची चू चा, ये कौन सा लैंग्वेज मम्मा बोलो। और अभी मून को 2-3 दिन से क्या हुआ है फ्रेंड, उसको फुल पैंट पहनना है, उसको हाफ शॉर्ट्स कुछ भी नहीं पहनना है, उसको फुल पैंट ही पहना है। जब भी वो सारे जगह जिधर जिधर उसका कपड़ा रहते हैं उधर से उसका कपड़ा निकालते हैं, और फुल पैंट जिधर है उधर से कपड़ा निकाल के फिर मुझे आके देते हैं कि मुझे पहना दो। अगर उसे फुल पैंट पसंद है ना तो मैं उसे फुल पैंट ही पहनने वाली हूँ।
सो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड गए हैं थोड़ा सा बाहर। ये देखो सब्जी लेके चले आए हैं, और ये जो पम्पकिन है ना पूरा पका हुआ था, तो पका हुआ पम्पकिन मून के लिए भी, मून को भी बहुत पसंद है। मैं मून के खिचड़ी में डालती हूँ, और मेरे हस्बैंड के तो और भी पसंद है। और इधर अदरक आलू प्याज जो कि डेली का लगते हैं ना, वही सारे सब्जी है। और मैं बर्तन धो रही हूँ सारे। सुबह ब्रेकफास्ट में बस चाय और बिस्किट लिया था और कुछ नहीं लिया। आज पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही है इसके लिए, और कुछ भी नहीं बनाई हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था बाहर कुछ, इसके लिए गए हैं, अभी आ जाएगा वो भी। तो चलो ये सारे काम कर लेती हूँ, फिर मेरा बेडरूम को भी थोड़ा सा साफ कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मून को नहलाना है। और देखो क्या करके गए हैं मून, तो ये सारे सब कुछ साफ कर लेती हूँ। उसको थोड़ा सा ना सुबह सोने का मन किया था, इसके लिए वो ब्लैंकेट वगैरह भी निकाल लिया था सब कुछ। उसके बाद सोया तो नहीं है, ब्लैंकेट निकाल के उधर रख के फिर चले आए हैं। वो बाहर गए हैं, सब्जी सारे लेके आए हैं। मैंने उसको अभी तक सैनिटाइज नहीं किया, उसको करना है सैनिटाइज। चलिए आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और फिर मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ। और डेली की तरह आज का ब्लॉग भी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को छोटा सा लाइक करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। सो फ्रेंड, ये जो ब्लॉग है मैंने कल से स्टार्ट किया था, और आज मॉर्निंग पे मैं इसको एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई है। सो फ्रेंड, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। मम्मा से बाय। मम्मा ओ खेलने में थोड़ा सा व्यस्त है, इसके लिए उसको डिस्टर्ब ना करे तो ये अच्छा है।